हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस समय जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी दिल से ग्रीटिंग्स। अब हम बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, निकलने की तैयारी है। हम पहले डॉलरामा जाएंगे, फिर वॉलमार्ट जाएंगे, घर के काफ़ी सारे सामान लेने हैं। आई नो आप लोग को लगता होगा ये रोज़ सामान लेने जाती है, बट क्या करे, यहाँ की चीज़ें अलग हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है क्या है कैसा है। सो उसके हिसाब से कुछ सामान कहीं, कुछ सामान कहीं, और कुछ सामान कभी लेने जाना पड़ता है। सो आई होप आप मेरे साथ आएंगे। फिर वहाँ से आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लाया हूँ, ताकि क्या है आप भी कभी कुछ लेने जाएँ तो आप लोग को भी आइडिया है कि क्या है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं सब कुछ मैं जो ला रही हूँ वही आपको लाना है। इट्स जस्ट कि जो हमको कन्वीनियंट लगता है, जो हमारे लिए चीज़ें यूज़फुल है वो हम लेंगे। मैं सिर्फ शेयर करूँगी कि आपके साथ कि मैं क्या क्या लेके आई। बस का वेट कर रहे हैं, ठंड बहुत है। थैंक गॉड स्नो नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा सनी डे है तो मैनेजेबल है। वेट कर रहे हैं, ये देखिए इनका संडे कैसा चल रहा है। भैया डॉग को लेके वॉकिंग पे निकले हैं, स्केटिंग चल रही है, समर आने वाला है तो फिर इनको काफी मजा आ रहा है। इनको क्या, हमें सबको आता है, बट ये लोग की एक्टिविटीज इज समथिंग वर्थ वॉचिंग। यहाँ पर बस ये मजे अपने ही है, बड़ी अच्छी सी बस है, साफ सुथरी, क्लीन, हाइजीन। आई नो सबको बस पसंद नहीं आती है, पर मुझे बड़ी पसंद आ रही है। गॉड, ये वैक्यूम की वैरायटी तो देख लो। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। ओ माय गॉड वाओ, फिर बोतल और वाटर क्लीनिंग हो रहा है यहाँ पे। इट्स कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, नो मैनुअल सपोर्ट। ये अपने आप पूरा पूरा क्लीन कर रहा है। अगर आप नोटिस करो पीछे की तरफ उसका नीचे रूम है। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये मशीन पसंद आई कि नहीं। मुझे तो बड़ी पसंद आई है, जस्ट लाइक आई डोंट नो, सीरियसली। आ गए हम फाइनली सामान लेके। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया, और सारे सामान का मैं, सामान जो भी लिया है ना उसके नीचे मैं रेट टैग कर दूंगी, ताकि आपको भी पता चले क्या रेट कहाँ पे कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दो जगह से सामान लेंगे, एक डॉलरामा और वॉलमार्ट। तो वो डॉलरामा से बहुत ही कम सामान लिया, तो मैं फटाफट वो आपको दिखा देती हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे वॉलमार्ट की तरफ। सो डॉलरामा से हमने लिया ये जो किचन नैपकिन्स काम आते हैं, यूटेंसिल वाइप्स के लिए और इन सब के लिए, ये है। उसके बाद ये बॉक्स कांच का, सॉरी सिरेमिक का, इसमें ना हमें जैसे कुछ खाना बचता है या कुछ भी लेफ्ट ओवर उन सबको रखने के लिए वैक्यूम वाला है, ये लिया। उसके बाद ये लिया सबसे बेस्ट, ये है कटलरी ऑर्गेनाइजर। इसमें हमने जैसे लंबे स्पेचुलास, फोक्स, नाइफ, स्पून्स और एक्स्ट्रा जो भी सामान होते हैं उसमें रखने के लिए। यार ड्रॉर में इतना भी, आई रियली लाइक दिस वुडन वन, बिकॉज ऐसे तो मिलने को वहाँ पे प्लास्टिक के और बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट ये वुडन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये जो ना ऐसा थोड़ा दिखने में भी ड्रॉ
ड्रॉअर भी ऑलरेडी वुडन होता है तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखता अंदर जाने के लिए, बट इट ऑर्गेनाइज वेल। प्लस बेस में इसका यू कैन सी ब्लैक क्लोथ टाइप का है, कभी कभी कुछ थोड़ा सा पानी है ऐसा कुछ है तो वो ऑब्जॉर्ब भी कर लेगा। सो मस्ट बाय फॉर दिस, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत अच्छे से सामान आ जाएगा। और दो तीन चीज़ें और ली थी फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये सबसे सैड पार्ट गाइस, ये मैंने कुछ बॉटल्स ली थी कट ग्लास की विथ वुडन लिड, इसमें स्पाइसेस रखने के लिए 6-7 पीसेस लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आते आते रास्ते में 3 टूट गई। आई नो दैट्स सो सैड, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो दिख रहा है आपको टूटा हुआ, ये देखो ये सारे 3 मेरी टूट गई है। और ये ग्लास समझिए, ये ट्रे, इन सबको मैंने ये 6-7-8 बॉटल, 6 बॉटल जो है ये सारी अच्छे से सेट हो जाए वो चीज़ को मैंने कंबाइन करके असेंबल करके ये सेट लिया। मतलब 3 टूट गई है, अब क्या करेंगे, फिर 3 में वो लेंगे या तो फिर इसको डिस्कार्ड करेंगे या किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे मैं डिस्कार्ड। ये हो गई हमारी डॉलरामा के सामान। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स वॉलमार्ट, स्टार्टिंग विथ जूस जो मस्ट है। मुझे जूस बहुत पसंद है, कभी भी आप दे दो आई कैन हैव एनी टाइम। उसके बाद एग्स, एग्स इज समथिंग जो आप ग्रॉसरी या शॉपिंग पे जाओ तो वो सब लिए बिना तो आप वापस आ ही नहीं सकते। एग इज़ मस्ट, क्योंकि इजी टू कुक होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में कुक हो जाता है, दैट इज़ वाई। और ये डिश वॉशर, उसके बाद सॉरी गाइस आई मिस्ड, ये भी मैंने डॉलरामा से लिया था टू क्लीन डीप डिशेज एंड बॉटल्स। और ये टू गिव यू नो थोड़ा सा कभी चाय ऐसा कुछ गर्म करने के लिए, और ऑयल ब्रशिंग के लिए भी, ऑयल कम यूज़ करना में होता है सो हमने सोचा कि ये ठीक रहेगा, ऑयल कम लगे एकदम। ऑफकोर्स टू डेली नीड्स मैगी, कुछ स्पाइसेस, टूथपेस्ट, सम टिश्यूज, उसके बाद सम अनियंस, पोटेटोज, जिंजर, ऐसा कुछ लिया मैंने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये क्लिप्स, दीज क्लिप्स ऑफकोर्स, ये पास है, बहुत अच्छी, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही क्यूट। ये स्टील की आई मीन मेटालिक है, ताकि क्या है कभी बाहर जाओ तो यू नो ऑलवेज यू कैन नॉट टाई और यू कैन नॉट मेक अ बन, वो सब काम आते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ओवन का डिश। एक्चुअली ये मैंने ओवन के डिश में बहुत वैरायटी थी, मैंने ये पर्टिकुलरली इसे लिया बिकॉज दिस इज़ डिश वॉशर सेफ, फ्रीजर सेफ, माइक्रोवेव सेफ, ओवन सेफ एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे वॉशिंग में, कुकिंग में, सब में काम आ जाएगा। और मैंने ये स्पेसिफिकली ये लिया क्योंकि इसमें लिड था, बहुत सारे डिशेज थे जिसमें लिड नहीं थे, पर आई थिंक कुकिंग के समय वो सब लिड हो तो अच्छा है, डिश वॉशर ये सॉरी ओवन वगैरह ख़राब नहीं हो गया। उसके बाद दिस हैंड वॉश रिफिल, दिस बॉडी वॉश, ये थे कुछ सामान। इसके अलावा हाँ कुछ सामान और भी हैं चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हॉट चॉकलेट, रोहन का ऑल टाइम फेवरेट, इसने आधा घंटा लगाया सिर्फ ये हॉट चॉकलेट ढूंढने के लिए, और मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली एक घंटे में, आई डोंट नो। और मुझे बोल रहा था कि तू लेट कर रही है, लेट कर रही है। देखो ये एक डोरमैट है, ये हैंड वॉश, ये बहुत अच्छा हैंड वॉश है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी। सो उन सब के अलावा कुछ ईटेबल्स लाई हूँ मैं, दिस इज मोज़रेला स्टिक, मेरा फेवरेट चिकन पॉपकॉर्न। ये देख के तो मैं इतनी खुश हो गई, आई डोंट नो, मुझे कुछ अपनी चॉइस का मिला
एंड दिस इज फिश स्टिक। अपनी मेरे अब तक लिस्ट देखी, सारी चीज़ हम लोगों ने अभी तक एसेंशियल्स ही लिया है। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा लेना है वो हम धीरे धीरे करके लेंगे अपने घर के लिए, बट सिंस वी आर लुकिंग फॉर जॉब राइट नाउ, अभी कोई हमें सर्वाइवर और ऑड जॉब्स में मिल जाए तो वी बोथ आर वेरी मच कम्फर्टेबल एंड ओपन फॉर दैट। हमने साइड बाई साइड हंटिंग भी चालू कर दी है, अब देखो क्या होता है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। सो बिफोर आई एंड वीडियो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, बाहर का वेदर देखो अभी। ये देखो, देख के ऐसा लग रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, इनफैक्ट 7:30 ऐसा लग रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये है वेदर यहाँ। So that's it for this video guys. So I guess that's it for this video.